नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल स्किल स्टडी पर। दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी सामान्य ज्ञान की, जो यूपी पुलिस, UPSI, लेखपाल और अन्य कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आपकी काफ़ी मदद करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला सवाल है, उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? दोस्तों उत्तर प्रदेश में जो मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है वो करता है राज्यपाल। राज्यपाल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है। दूसरा सवाल देखते हैं, पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं। पृथ्वी पर दोस्तों जो दिन और रात होते हैं वो होते हैं उसकी दैनिक गति के कारण। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। तीसरा सवाल देखते हैं, जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है। दोस्तों जापान को जो मैनचेस्टर है वो कहा जाता है ओसाका को। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। जापान की जो राजधानी है वो है टोक्यो, तो इसको भी आप याद रख सकते हैं। सवाल नंबर तीन देखते हैं, हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? दोस्तों हिंदी दिवस जो है वो 14 सितंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। और दोस्तों ऑप्शन नंबर ए देखें तो 26 अगस्त को महिला समानता दिवस मनाया जाता है, इसे भी आप याद रख सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही जवाब था। नंबर पाँच देखते हैं, ऑपरेशन दुर्गा का शुभारंभ हुआ। दोस्तों ऑपरेशन दुर्गा का जो शुभारंभ हुआ वो हुआ 13 अप्रैल 2017 को। ऑपरेशन दुर्गा का जो शुभारंभ हुआ वो 13 अप्रैल 2017 को हुआ, इसका ऑप्शन नंबर ए ठीक है। अब ये बात आती है कि ऑपरेशन दुर्गा का शुभारंभ कहाँ हुआ, तो हरियाणा सरकार ने महिलाओं से हो रही छेड़छाड़ की हरकतों को रोकने के लिए ऑपरेशन दुर्गा एक शुभारंभ किया। अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 6, मनुष्य की एच गतियों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? तो मनुष्य में जो ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण होता है वो होता है सेरिब्रम के कारण। सेरिब्रम एक ग्रंथ है जिसके कारण मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण होता है। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। 7वां सवाल देखते हैं, कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है? तो लार में जो एंजाइम पाया जाता है वो पाया जाता है टाइलिन। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। 7-8वां क्वेश्चन देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? तो हड़प्पा सभ्यता की खोज दयाराम साहनी ने की थी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। 9वां प्रश्न देखते हैं, तराइन का प्रथम युद्ध किसके मध्य लड़ा गया था? तराइन का प्रथम युद्ध जो था वो मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान तृतीय के मध्य लड़ा गया था। तराइन का प्रथम युद्ध ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। 10वां प्रश्न देखते हैं, DCM ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो DCM ट्रॉफी का जो संबंध है वो फुटबॉल से है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। 11वां सवाल देखते हैं, भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? दोस्तों भारत का जो राष्ट्रीय खेल है वो हॉकी है। कई बार ये हो जाता है कि क्रिकेट को आजकल ज़्यादा पसंद किया जाता है, इस वजह से गलती से क्रिकेट भी लग जाता है, लेकिन हॉकी जो है भारत का राष्ट्रीय खेल है। 12वां सवाल देखते हैं, साइकिलिंग का खेल परिसर क्या कहलाता है? दोस्तों साइकिल का जो खेल परिसर है उसे हम कहते हैं वेलोड्रम। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। जहाँ साइकिल रेस होती है उसे वेलोड्रम कहा जाता है। सवाल नंबर 13 देखते हैं, भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? भूगोल का जनक कहा जाता है इरेटोस्थनीज। भूगोल का जनक इरेटोस्थनीज को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला सवाल देखते हैं, सूर्य के चारों ओर घूमने वाले
खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं? सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड को दोस्तों ग्रह कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला सवाल देखते हैं। प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षारक से बने लवण का पीएच मान क्या है? तो प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षारक से बने लवण का पीएच मान होता है जो 7 से कम होता है। पीएच स्केल पर इसका मान 7 से कम होता है। ऑप्शन नंबर 7 इसका 7 से कम इसका सही जवाब है।